हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पतंग की डोर किसके हाथ? एमक्यूएम पीआईबी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वोटिंग। केएमसी ग्राउंड में कारकुनान, राबता कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब करेंगे। मुंतखिब अरकान, कन्वीनर, सीनियर डिप्टी कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर का फैसला करेंगे। तमाम कारकुनान से अपील करूंगा, राबता कमेटी के इंतखाब में हिस्सा लें, अपनी राय दें। इस वक्त तंजीम में एक बहरान है, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस बहरान का हल है। मेरे 35 साल का शफाफ सियासी कैरियर आपके सामने है, मुझ पे भरोसा करें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। फारूक सत्तार की कराची समेत अंदरून सिंध कारकुनों से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। एमक्यूएम इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैलेट पेपर्स में बहादुराबाद के किसी भी रहनुमा का नाम नहीं, तनाजे की वजह बनने वाले कामरान टिसोरी का नाम दूसरे नंबर पर। छुट्टी का दिन भरपूर सियासी संडे बन गया। नून लीग का शेखुपुरा में पावर शो। जेयूआई फजलुर रहमान ने हैदराबाद और जमात इस्लामी ने नौशहरा में मैदान लगा लिया। नौशेरो फिरोज में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का पंडाल सज गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाने को तैयार। शेखुपुरा के कंपनी बाग में पार्टी तरानों पर कारकुनों का जोश काबले दी। सियासी जमातों को परखें और उनके हक में वोट दें। ये वोट की हुर्मत की हिफाजत करना आप पे फर्ज है, वोटर पे फर्ज है। वजीर आजम आपने बनाना है, ये हक आपका है कि वजीर आजम कौन बनेगा। वोट की हुर्मत की हिफाजत करना वोटर का हक है, जाती मफाद के लिए वोट की ताकत को इस्तेमाल ना करें। वजीर आजम गालियों से नहीं बनते, सियासत तसादुम का नहीं बल्कि मोहब्बत और खिदमत का नाम है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का खिताब। पाकिस्तान ने अलकायदा, तालिबान और जमातुल एहरार को शिकस्त दी। हम दहशत गर्दी नहीं, आलमी अमन बरामद कर रहे हैं। सिपा सालार ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अमरीका इल्जाम तराशी के बजाय अफगानिस्तान में नाकामी की वजूहात तलाश करे। म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वॉच लिस्ट या फिर हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज होगा। पाकिस्तान मुखालिफ वॉशिंगटन को लंदन की भी हिमायत मिल गई। रानवार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नई हिकमत अमली। साबिक एसएसपी के राबता कारों से तफ्तीश का फैसला। तीनों मोबाइल फोन्स का डेटा भी हासिल कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद नकबजनों ने भी लूट मचा दी। फेडरल बी एरिया समनाबाद में ताला तोड़ ग्रुप ने दुकानों का सफाया किया। नकदी और लाइसेंस याफ्ता असलहा लूट कर फरार। पीर हमीदुद्दीन सियालवी को सरगोधा में दिल का दौरा, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंच गई। अहल खाना के वाम से दुआए सेहत की अपील। अपने ही दगा दे गए। करक में नायब नाजिम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक इंसाफ के 9 अरकान अपोजिशन के साथ मिल गए, अपने ही नायब नाजिम के खिलाफ वोट डाला। ईरान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 66 अफराद जान बहक। एयरलाइन ने तस्दीक कर दी। अंदरूने मुल्क होने वाली परवाज के थोड़ी देर बाद ही तैयारे का रडार से राबता टूट गया था।
रोज जलसा किया जा रहा है, तो आज सियासी संडे है और इस पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तड़का भी है। कराची की सियासत में एक नई हलचल है, क्योंकि जहां बहादराबाद ग्रुप और इसके अलावा फारूक सत्तार ग्रुप यानी कि पीआईबी ग्रुप आमने सामने हैं, तो वहां पीआईबी ग्रुप ने आज के रोज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कॉल दे रखी है। 1 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राबता कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए यहां पर आज के रोज पोलिंग हो रही है, वोट कास्ट कर रहे हैं कारकुनान, जबकि इसके अलावा जो ये मुंतखब अरकान हैं, ये जो मुंतखब बॉडीज हैं, ये कन्वीनर, सीनियर डिप्टी कन्वीनर और इसके अलावा डिप्टी कन्वीनर का इंतखाब करेगी। तो मुतहदा कौमी मूवमेंट की सियासत को लेकर आज का अहम दिन, शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून का अहम जलसा पिंडाल सज चुका है। कराची चलते हैं, कराची में इंतखाबात से मुतालिक गहमा गहमी जानते हैं और फिर उसके बाद दीगर पावर शो से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोनस अहमद हैं। मोनस, बताइएगा पोलिंग का अमल जारी है, कितने कारकुन जो हैं वो पहुंचे हैं इस केएमसी ग्राउंड में, कैसा जोश खरोश है? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 45 मिनट के की ताखीर के बाद ये पोलिंग शुरू हुई है और सुबह हम ये देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब से पोलिंग शुरू हुई है उसके बाद से बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि पोलिंग के वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं शहर के, उसके 18 टाउन्स के हिसाब से यहाँ पर पोलिंग की जा रही है, जो MQM के कारकुनान हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके लिए 51 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जबकि 38 जो है टोटल उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। इसी तरीके से राबता कमेटी है उसके लिए तकरीबन 40 उम्मीदवार हैं और जबकि 35 उसमें जो है सेलेक्ट होंगे। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 45 मिनट की ताखीर से, उनका ये कहना था कि 6 बजे तक इसको जारी रखा जाएगा, 6 बजे तक तमाम जो कारकुनान हैं उनसे फारूक सत्तार, डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपील की है कि वो यहाँ पे भरपूर तरीके से पहुँचें और यहाँ पर अपने वोट कास्ट करें। आज ना सिर्फ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राबता कमेटी, बल्कि जो हाइस्ट वो वोट सिक्योर करेगा वही कन्वीनियर भी मुंतखब होगा। जबकि हम ये देख रहे हैं कि बहादराबाद ग्रुप की जानब से इस जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसको गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया है और उनकी जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ये मैसेजेस जो है बयानात स्टेटमेंट मीडिया स्टेटमेंट दी गई है कि कारकुनान इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना लें। ताहम हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वक्तन फवक्तन कारकुनान आ रहे हैं बड़ी तादाद में, जिसमें नौजवान मर्द हजरात भी हैं, ख्वातीन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। पंजाब में हो रहा है उसमें तमाम कारकुनान जो हिस्सा ले रहे हैं, तो आज ये साबित होगा कि ये कारकुनान की जमात है या मंशूर और आइन दिखाने वालों की जमात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज यहाँ मैंने दुआ की है, चादर चढ़ाई है, अल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट रात में कारकुनों की जो ख्वाहिशात हैं, जो शहीदों का खून इस पार्टी के अंदर वो रायगा ना जाए, शहीद जिस तरह से उनके लवाइकीन दुआ कर रहे हैं, डॉक्टर इमरान फारूक की वालदा PIB में बैठकर पिछले 10 दिन से रो रो कर दुआएं कर रही हैं कि अल्लाह ताला ये जो पार्टी जिसमें शहीदों का खून है, जिन्होंने एक तहरीक और एक नज़रियात की बुनियाद पर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया हुआ है, उसको कहीं साजिशों की नज़र ना लग जाए। मैं यही कहना चाहता था, बाकी जो आप लोगों ने कोई सवाल करने हो। मेरे पास अभी फुटेज आ रही है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, तांता बना हुआ है। देखें, जिस तरह मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर और ताखीर हुई, कराची में भी मौसम गर्म है, संडे का दिन है, थोड़ा ताखीर से शुरू हुआ है, लेकिन आप और आपका कैमरा शाम तक ये नज़रात दिखाएंगे कि ये जनरल इलेक्शन का समय है। हैदराबाद में मेरे पास अभी फुटेज आई है, लोग बड़ी तादाद में लाइन लगा के खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला ये कारकुन आपको भी मायूस नहीं करेंगे और फारूक सत्तार को भी मायूस नहीं करेंगे।
اب جب کے رابطہ کمیٹی کی اکثریت جب کمران قیصوری کا نام آتا ہے سینٹ کے لیے منتخب کرتے ہیں سربراہ یا نامزد کرتے ہیں تو وہ اس کو یعنی کہ مخالفت کرتے ہیں, تو کیا رابطہ کمیٹی نے جب اس کی مخالفت کی ہے تو پارٹی نے کیا صرف ایک سربراہ کی چلے گی یا پوری رابطہ کمیٹی کے جو فیصلہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی تھی ایم کیو ایم وہی اسٹانس میں, اب کیوں ایسا ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ مجھے بھی رابطہ کمیٹی نے ہی سلیکٹ کیا تھا. فاروق ستار بھائی سربراہ ہونے کے ناطے ان چھ لوگوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ جو چوتھے نمبر پر آتا, لیکن سربراہ کی بات نہیں مانی گئی. یہ صرف ایک وجہ ہے, لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ وجوہات نہیں ہیں. وہاں کہیں کچھ لوگوں کی کرپشن چھپی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کا مائنس ون فارمولا چھپا ہوا ہے, اور کچھ لوگ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے جو کارکنوں سے دور ہو گئے تھے, اور جب فاروق ستار بھائی نے کارکنوں میں جا کر ان کی باتیں سنی وہ شاید رابطہ کمیٹی کے کچھ نادان دوستوں کو قبول نہیں تھیں, جس کی وجہ سے اس ٹائم پر سینٹ کا ایشو بنایا گیا. جبکہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے سینٹ کی چاروں سیٹیں رابطہ کمیٹی جو تحلیل شدہ ہے ان کے نادان دوستوں کے حوالے کر دیں کہ آپ اس پر جس کو چاہیں نامینیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کامران قیصوری کا ایشو نہیں ہے, ایشو فاروق ستار بھائی کی سربراہی اور ان کی لیڈرشپ کا. اچھا کامران بھائی, جب 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 ایک شخص بیٹھ کے ستار صاحب مجھے زمانت لگائے آپ کے اوپر کہ وہ تو مشرف کی پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے تھے کامران قیصوری, اور انہوں نے مجھے کال بھی کی تھی سوال سے کہ آپ کا سلسلہ بنتا ہے تو مجھے بتائیں, مجھے اعتماد میں لے کے میں بھی جوائن کرنے کے لیے تیار ہوں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات میں نے ان سے اس وقت کہی تھی تو اخلاقی طور پر ان کو اسی وقت یہ بات ڈاکٹر فاروق ستار. کامران قیصوری کی گفتگو آپ نے سنی. دوسری طرف آج متحدہ کی انٹرا پارٹی الیکشن جاری ہیں, ایم کیو ایم بہادر آباد اور پی آئی بی آمنے سامنے ہے. انٹرا پارٹی الیکشن غیر قانونی قرار, بہادر آباد گروپ کے موقف سامنے آئے. ان کا کہنا ہے کہ الیکشن غیر قانونی اور غیر تنظیمی ہے, پارٹی تقسیم کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے. عام معاملہ ہے بہادر آباد اور پی آئی بی گروپ ایک مرتبہ پھر سے آمنے سامنے. کیا خبر آ رہی ہے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد سے, یہ جان لیتے ہیں کرن خان سے. کرن بتائیے گا, ترجمان رابطہ کمیٹی کیا کہہ رہے ہیں آج کے انٹرا پارٹی